मज़ेकली के सफ़र पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। दोस्तों, 30 साल की उम्र के बाद ज़्यादातर औरतें अपनी स्किन और अपने बालों को लेकर परेशान होने लगती हैं। इस वक्त उनके चेहरे पर ना सिर्फ फाइन लाइंस और रिंकल जैसे एजिंग साइंस की दस्तक होने लगती है, बल्कि बालों का टेक्सचर भी पहले जैसा नहीं रहता। अगर आप भी इस तरह की किसी समस्या से जूझ रही हैं और कोई सॉल्यूशन ढूंढ रही हैं, तो इसका सॉल्यूशन आपके मेकअप बॉक्स में नहीं बल्कि आपके किचन में है। जी हाँ, अच्छे बाल और अच्छे स्किन के लिए आपको अपनी डाइट में विटामिन सी से युक्त फलों को शामिल करना चाहिए। मौसमी विटामिन सी से युक्त एक ऐसा ही फल है जो महिलाओं के लिए बेहद ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। बात करें अगर मौसमी की खासियत की, तो ये विटामिन सी से भरपूर एक सिट्रस फ्रूट होता है, यानी कि ये खट्टे फलों की एक प्रजाति है। इसे मार्च अप्रैल के महीनों के साथ ही सितंबर से नवंबर के महीनों में हार्वेस्ट किया जाता है। मौसमी संतरे के आकार का होता है और इसका रूप नींबू जैसा होता है। इसे स्वीट लाइम भी कहा जाता है। आमतौर पर लोग मौसमी का जूस पीना पसंद करते हैं, पर असल में पूरी मौसमी ही काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। मौसमी में मौजूद पोषक तत्वों की गुणवत्ता महिलाओं की सेहत के लिए फायदेमंद होती है। तो कौन कौन से इसके फायदे होते हैं खासकर औरतों के लिए, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कोलेजन उत्पादन की। रोज़ाना एक मौसमी का सेवन करने से कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करने में मदद मिलती है। मौसमी में विटामिन सी सहित एंटीऑक्सीडेंट की गुणवत्ता पाई जाती है, जो कोलेजन को बढ़ावा देने में मदद करती है। पर्याप्त कोलेजन त्वचा पर झुर्रियों के निर्माण में देरी करता है और त्वचा को ढीला होने से रोक सकता है। ये प्रीमैच्योर एजिंग के खतरे को कम कर देता है। बात करेंगे त्वचा और बालों के टेक्सचर में सुधार की। मौसमी बाल और स्कैल्प को ज़रूरी पोषक तत्व प्रदान करता है, साथ ही नमी को बनाए रखता है। इस तरह बालों की जड़ मजबूत होती है और बालों का झड़ना बंद हो जाता है। वहीं ये रूसी के उपचार में भी मदद करती है। इतना ही नहीं, इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण और पोषक तत्वों की गुणवत्ता शरीर पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के प्रभाव को कम कर देती है, जिससे बाल और स्किन की सेहत को बरकरार रखना आसान हो जाता है। ये त्वचा में पिगमेंटेशन और एक्ने को रिमूव करने में मदद करता है। हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए इसके जूस को डाइट में शामिल करें, साथ ही आप इसे त्वचा पर भी लगा सकते हैं। इसे रात भर छोड़ दें, ये पिगमेंटेशन और एक्ने कम करने के साथ ही त्वचा की रंगत में भी सुधार करती है। बात करेंगे हड्डियों की मजबूती की। महिलाओं में 30 की उम्र के बाद कैल्शियम की कमी हो जाती है और हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। मीठे नींबू या फिर मौसमी में विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा होती है, जो शरीर की सूजन को कम करती है। इस प्रकार ये रूमेटॉइड गठिया और पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षणों को कम करने में अहम भूमिका निभाती है। मौसमी में मौजूद विटामिन सी कैल्शियम को अवशोषित करने में बढ़ावा देता है, जिससे हड्डियों के पूरी हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा सुधार होता है। बात करेंगे हार्मोनल असंतुलन की। अपच गर्भावस्था, बॉडी ऑर्गन्स का असंतुलित होना और हार्मोनल इम्बैलेंस सहित कई दूसरे कारक भोजन के प्रति अरुचि पैदा कर सकते हैं। इस दौरान आपको उल्टी या फिर मतली का भी एहसास हो सकता है। ऐसे में आप मौसमी खाएं। मौसमी की एक भीनी सी अच्छी सी खुशबू आपको जो उल्टी या फिर मतली के जो लक्षण होते हैं उसको फौरन कम करने में कारगर होती है। बात करेंगे गट हेल्थ दुरुस्त करने की। जी हाँ, महिलाओं में बैली फैट एक बेहद ही आम परेशानी है। ऐसे में मौसमी का सेवन आपकी मदद कर सकता है। मौसमी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकते हैं, जो सूजन में योगदान करते हैं और वेट लॉस में बाधा डाल सकते हैं। वहीं इसमें मौजूद फाइबर पाचन में मदद करता है, जो कब्ज, सूजन और दूसरे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल समस्याओं को रोकता है। इस तरह से आपके बैली फैट को कम करना ज़रा आसान हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर आप रोज़ाना मौसमी का सेवन करते हैं तो आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में एनर्जी मिलती है, जिससे आप ज़्यादा अच्छे तरीके से कैलोरी और फैट को बर्न कर पाती हैं।
बात करेंगे इम्यूनिटी को सुधारने की। मौसमी में जैसा कि हमने कहा कि विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है और विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी पोषक तत्वों में से एक माना जाता है। इसके जूस का सेवन करना हार्ट हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इससे हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा मिलता है और इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। इसके अलावा मौसमी का सेवन करने से आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड नहीं होती। ये फल सिर्फ आपकी प्यास बुझाने में ही मदद नहीं करता, बल्कि इसमें जो महत्वपूर्ण विटामिन और मिनरल्स हैं वो आपके शरीर को एनर्जी देते हैं। बात करेंगे कि आप इसे अपनी डाइट में किस तरह शामिल कर सकते हैं। इसको खाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप सुबह नाश्ते की प्लेट के साथ ही इसके छिलके को छीलें, इसके टुकड़े करें। अगर आपका मन करता है तो थोड़ा सा काला नमक या फिर नमक या फिर यूं ही आप इसे खा सकती हैं। ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है मौसमी को खाने का। इसके अलावा आप चाहें तो इसका जूस बनाकर भी इसके फ़ायदे उठा सकती हैं। इसके अलावा आप पूरे फल को छीलकर इसका सलाद बनाकर भी खा सकते हैं, और इसके भी अलावा आप चाहें तो आप अपनी वाटर बॉटल में मौसमी के टुकड़ों और नींबू को डालें और पूरे दिन इसे धीरे धीरे पिएं। ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो इतने सारे फ़ायदे होते हैं मौसमी को खाने के। तो अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए, अपने कोलेजन को दुरुस्त रखने के लिए अपनी डाइट में शामिल ज़रूर करें मौसमी। उम्मीद करते हैं मौसमी से जुड़ी ये ख़ास जानकारी आपको पसंद आएगी, आपके काम आएगी। और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मसकली को, और देखते रहें मसकली। शुक्रिया।